हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ममता, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गैस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी या इंडाइजेशन के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमनली देखी जाने वाली परेशानी है और हम सभी को कभी ना कभी ये परेशानी ज़रूर होती है। जब भी हम कभी बाहर का खा लेते हैं या घर में ही बना तेल मसाले वाला ज़्यादा खा लेते हैं तो अक्सर हमें ये परेशानी देखने को मिलती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसा एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ जिसको कि आप घर में ही प्रिपेयर कर सकते हैं और जब कभी भी आपको ऐसी परेशानी होती है तो आप इस कॉम्बिनेशन की केवल दो बूंद अपनी जबान पर रखकर अपनी परेशानी को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आगे चर्चा करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि गैस हमें बनती क्यों है। दोस्तों, सबसे जो मेन कारण होता है गैस बनने का वो है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, यानी कि अगर आप अपनी मील्स को स्किप करते हैं या आप समय पर खाना नहीं खाते हैं या अपनी मील्स को सुबह का खाना दोपहर में खा रहे हैं या आप कभी जल्दी खा रहे हैं कभी बहुत लेट में खा रहे हैं काम की वजह से, तो इस वजह से आपको गैस की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगले कारण की अगर हम बात करें, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं या कि यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना खा रहे हैं तो भी आपको गैस या ब्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगले कारण की अगर हम बात करें, अगर आप खाने के जस्ट बाद आप तुरंत सोने चले जा रहे हैं तो उसके वजह से भी आपका डाइजेशन स्लो हो सकता है और डाइजेशन स्लो होने की वजह से भी आपको गैस या ब्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगले कारण की अगर हम बात करें, अगर आप बहुत ही एक बार में बहुत ही ज़्यादा खाना खा ले रहे हैं, साथ ही आप डाइट में नमक का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो ये सारे कारण भी होते हैं आपके गैस या ब्लॉटिंग के। साथ ही अगर आप खाने में फाइबर रिच डाइट कम ले रहे हैं यानी कि सलाद का प्रयोग कम कर रहे हैं, इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही बड़ा कारण होता है आपकी गैस या ब्लॉटिंग का। अगर अगले कारण की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप अपने डेली शेड्यूल में अगर आप बहुत ही ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं तो भी आपको गैस या ब्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगले कारण की अगर हम बात करें, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं यानी कि नॉन स्टेरॉयलर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स का सेवन ज़्यादा करते हैं, साथ ही अगर आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी की दवाएँ ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके वजह से भी आपको गैस की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको स्टमक डिसऑर्डर्स है यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज या पेप्टिक अल्सर डिसीज या पेट की ऐसी कोई बीमारी जिसके लिए आप बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको गैस या ब्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। दूसरे कारणों की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, साथ ही आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, साथ ही अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, साथ ही आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप एक ही जगह बैठे रहते हैं, लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने की वजह से भी आपको गैस या ब्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। दोस्तों, ये सारे कारण हो गए जिसके वजह से आपको गैस या ब्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो कि आपको गैस या ब्लॉटिंग के दौरान देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो सिम्टम है वो है रेस्टलेसनेस। अगर आपको गैस या ब्लॉटिंग की समस्या होती है तो आप एक जगह बैठना पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों, अगले सिम्टम की अगर हम बात करें तो आपको नौशा वॉमिटिंग जैसा लग सकता है, सीने में जलन या खट्टी डकारे आना, मुंह में खट्टा टेस्ट आना, साथ ही पेट बिल्कुल भारी सा लगेगा, आपको पेट बिल्कुल फुला फुला सा लगेगा और कुछ लोगों में गैस या ब्लॉटिंग की वजह से सिर में दर्द भी होने लगता है। दोस्तों, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपको गैस या ब्लॉटिंग के दौरान देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सा ऐसी होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है जिसका कि प्रयोग करके आप अपनी गैस या ब्लॉटिंग की समस्या को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको 5 होम्योपैथिक मेडिसिंस लेके आनी है। मेडिसिंस का नाम है रूबीनिया 30, कार्बोवेज 30, चाइना 30, लाइकोपोडियम 30 और पल्सिटिला 30।
दोस्तों ये सारी मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में और 30 ml की सील पैक बॉटल लेके आनी है। दोस्तों साथ ही आपको एक खाली बॉटल भी लेके आनी है और इन सारी मेडिसिन की इक्वल क्वांटिटी यानी कि अगर आप 10 ml सारी बॉटल्स में से आप मिला रहे हैं तो सारी बॉटल्स की 10 ml को एक खाली बॉटल में मिक्स करके आप रख लीजिए। और जब कभी भी आपको गैस, एसिडिटी या ब्लॉटिंग की समस्या या घर में किसी को भी ऐसी समस्या होती है तो केवल इसकी 2 बूंद आपको उनकी जुबान पर रखनी है। इससे आपकी जो गैस, एसिडिटी या ब्लॉटिंग की समस्या है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दोस्तों इसमें जो मेडिसिन यूज़ की गई है जैसे कि रुबीनिया 30 अगर आपको पेट में दर्द है, साथ ही खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा आपको खट्टी डकारे आ रही है और साथ ही पिंचिंग सा पेन हो रहा है तो उस केस में रुबीनिया 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगली जो मेडिसिन इसमें यूज़ की गई है वो है चाइना। आपके पेट में अगर गैस पूरा भरा हुआ है, साथ ही पेट में दर्द भी है और ऐसा लग रहा है कि आपको कि बिल्कुल गैस स्टक हो गई है, पास नहीं हो पा रही है, तो उस केस में आप चाइना मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है गैस ब्लॉटिंग जैसी समस्या के लिए। दोस्तों इसमें जो अगली मेडिसिन यूज़ की गई है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम उस केस में यूज़ की जाती है अगर आपके पेट के लोअर एब्डोमेन में आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा गैस भरा हुआ है और आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके कुछ भी खाने से आपका वो जो खाना है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस केस में लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों इसमें कार्बोवेज यूज़ की गई है। कार्बोवेज भी अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में गैस भरा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि गैस ऊपर की तरफ जा रही है तो उस केस में कार्बोवेज मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दोस्तों इसमें जो अगली मेडिसिन यूज़ की गई है वो है पल्सिटिला। पल्सिटिला अगर आप बहुत ही तेल मसाले वाले खाना खा रहे हैं और तेल मसाले वाले खाना खाने के जस्ट बाद से ही आपका पेट दर्द शुरू हो गया है या गैस्ट्रिक ट्रबल आपकी स्टार्ट हो गई है तो उस केस में पल्सिटिला मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दोस्तों ये सारी मेडिसिन, सारी जो मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाई है, ये सारी मेडिसिन गैस या ब्लॉटिंग जैसी समस्या के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इस मेडिसिन को घर में प्रिपेयर करके रख सकते हैं और जब कभी भी ऐसी परेशानी होती है तो आप इस मेडिसिन की केवल 2 बूंद अपनी जबान पर रख लें और आपकी ये परेशानी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।